यहाँ पे हमें इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में डालना है। सबसे पहला स्टेप होता है, इस नंबर को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो एक्स मेरा आएगा 0.47 का बार। सिर्फ 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, तो ये आएगा 0.4 और फिर 7 7 7 7 7 एंड सो ऑन। इसको कहता हूँ मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे अगला स्टेप होता है, हम देखते हैं कि मेरे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी मेरा बार जो है, ये डंडी जो है ऊपर लगी है, ये कितने डिजिट पे आ रही है। ये एक ही डिजिट पे आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे इस नंबर को एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो ये आ जाएगा मेरा 10x इक्वल टू 10 इंटू दिस। अब यहाँ पे मैं जीरो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डेसिमल से, तो डेसिमल एक खिसक जाएगा पॉइंट, यानी अभी 0 और 4 के बीच में है, अभी चला जाएगा 4 और 7 के बीच में, यानी ये आ जाएगा 4.777 एंड सो ऑन। तो मेरे 10x की वैल्यू ये आ गई। इसको कहता हूँ मैं अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे सेकेंड ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं, 2 माइनस 1 करता हूँ, लेफ्ट साइड में आ जाएगा 10x-x, राइट साइड में 4.777-0.4777। इसको हम यहाँ सबट्रैक्ट करते हैं अलग से कुछ ऐसे। अगर हम यहाँ पे पीछे से चलें तो मेरा ये सारे डिजिट्स और ये सारे डिजिट्स मेरे सेम हैं, तो ये मेरे कैंसिल हो जाएंगे, मेरा बस 0 0 0 बचेगा यहाँ तक। बाकी इन दोनों डिजिट्स की बात आई, 7 और 4, अगर मैं 7 को 4 से सबट्रैक्ट करता हूँ तो 3 आता है, तो यहाँ 3 आ गया। डेसिमल आएगा फिर मेरा, ये वाला डेसिमल ये चल रहा है, तो यहाँ पे मेरा डेसिमल पॉइंट आएगा, और 4 माइनस 0 4 होता है, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करने में मेरा 4.3 आ गया। इसे हम लिख लेते हैं, ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। लेफ्ट साइड में 10x-x होगा 9x, तो x आ गया मेरा 4.3/9। यहाँ मैं न्यूमरेटर से पॉइंट हटाता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ नीचे मुझे 0 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 43/90। तो मेरे इसकी वैल्यू आ गई 43/90।